कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट अब जानलेवा होता जा रहा है। इसके केस भी बढ़ने लगे हैं। महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस की चपेट में आए 3 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में डेल्टा प्लस से मौत का पहला केस सामने आया। इसके अलावा राज्य के 2 और शहरों में डेल्टा प्लस की चपेट में आए मरीजों को जान गंवानी पड़ी है। कोरोना ने जब अपना रूप बदला था तभी वैज्ञानिकों ने इस पर चिंता जताई थी। डेल्टा वेरिएंट की वजह से देश में कोरोना की दूसरी लहर आई थी और इसके बाद कोरोना म्यूटेंट होकर डेल्टा प्लस वेरिएंट में बदल गया था। अब महाराष्ट्र में इस वेरिएंट के मरीज मिलने लगे हैं और राज्य में 3 लोगों की मौत भी हो गई है। प्रशासन ने बताया कि रायगढ़ में 69 साल की महिला की मौत की वजह डेल्टा प्लस वेरिएंट बना। इससे पहले मुंबई में 65 साल की महिला की मौत की पुष्टि भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हो चुकी है। खास बात यह कि मुंबई में दम तोड़ने वाली महिला को वैक्सीन की 2 डोज लग चुकी थी। इससे पहले रत्नागिरी में 80 साल की महिला की मौत भी डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से हुई। बीएमसी के मुताबिक जिस महिला ने डेल्टा वेरिएंट की वजह से दम तोड़ा उसकी नई रिपोर्ट गुरुवार को आई, जिससे साफ हुआ कि मौत का कारण डेल्टा प्लस वेरिएंट था। राज्य सरकार ने बीएमसी को जानकारी दी थी कि मुंबई में 7 लोग डेल्टा प्लस वेरिएंट से संक्रमित हो चुके हैं, जिसके बाद बीएमसी ने उनसे संपर्क साधा, उनसे बातचीत की। ये महिला भी उन 7 लोगों में से एक थी। महाराष्ट्र में अब डेल्टा प्लस के केस भी बढ़ने शुरू हो गए हैं। बुधवार को महाराष्ट्र में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 20 नए केस मिले हैं। अब यहाँ इस वेरिएंट के मरीजों की संख्या 65 हो गई है। जलगांव जिले में डेल्टा प्लस के सबसे ज्यादा 13 मरीज हैं। इसके बाद शहरों की बात करें तो सबसे ज्यादा 7 मरीज मुंबई में हैं। इसके बाद पुणे में 3, नांदेड़ में 2, गोंदिया में 2, रायगढ़ में 2 और पालघर में भी 2 मरीज मिले हैं। इसी प्रकार चंद्रपुर और अकोला जिले में 1-1 मरीज पाए गए हैं। महाराष्ट्र में मिले 65 मरीजों में से 32 पुरुष और 33 महिलाएं हैं। हैरानी की बात यह है कि 2 वैक्सीन लेने के बाद भी मरीज की डेल्टा प्लस से मौत हो गई। हालांकि जानकारी के मुताबिक मरने वाली महिला पहले से बीमार थी और कमजोर इम्यूनिटी वाली थी। एक महिला की डेल्टा प्लस की वजह से मृत्यु भी हुई है, उसका भी रिपोर्ट आया है। इस सब के चलते हुए स्वाभाविक है कि लोगों में प्रश्न उठेगा कि क्या हमें डेल्टा प्लस से बहुत ज्यादा डरना चाहिए, क्या ये डेल्टा से अलग है, क्या है प्रॉब्लम। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो हमारी सेकेंड वेव आई थी वो पूरी थी, पूरे करीब करीब डेल्टा वेरिएंट की ही थी। और जब इस डेल्टा वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन के इंसर्शन पे एक बदलाव आया तभी हमने उसको डेल्टा प्लस कहा। निश्चित रूप से डेल्टा प्लस वेरिएंट नए तरीके से रूप बदल रहा है। केंद्र का भी पता आया था, वो भी उसको लेके अभ्यास कर रहे हैं। 65 मामले आए हैं लेकिन उतना चिंता का विषय नहीं है जितना लोगों में डर पैदा हो रहा है। कुल मिला के महाराष्ट्र में लगातार कई जिले ऐसे हैं जो कोविड मुक्त हो रहे हैं। कई जिलों में एक भी एक्टिव पेशेंट नहीं है। लगातार मुंबई जैसे शहर में भी पेशेंट में कमी आ रही है। लेकिन अब कोवैक्सीन और कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी ने भी कहा कि 2 डोज लगने के 6 महीने बाद बूस्टर डोज भी लेनी पड़ेगी। 6 महीने नंतर टाइटर कमी होतो म्हणून मी तिसरा डोज घेतलाय आणि मी 7-8 हजार जे आमचे कामगार आहे सिरममध्ये त्यांना मी दिलाय तिसरा डोज। तर ज्याला 6 महीने झाले सेकंड डोजच्या नंतर तर माझी विनंती आहे आणि ॲडवाईस आहे की तिसरा डोज घ्यायलाच पाहिजे। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अब तक जितने सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है उनमें से 80% में डेल्टा प्लस वेरिएंट पाए जाने की पुष्टि हुई है। महाराष्ट्र सरकार ने जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च संस्था के तहत काम करने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटेड बायोलॉजी लैब के साथ समझौता किया। इस नेटवर्क से हर महीने राज्य के हर एक जिले से 100 सैंपल की जांच की जाती है। इसी सैंपलिंग के नतीजों में डेल्टा प्लस के केस के बारे में पता लगता है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान थमा तो अब बीजेपी में अंदरूनी टकराव शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे के हवाई दौरों को लेकर बीजेपी में खासी नाराजगी है। खबर है कि जयपुर में पार्टी मुख्यालय के सामने बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए हैं लेकिन उनमें वसुंधरा की तस्वीर नहीं है और ऐसे में जानबूझकर किया गया है ताकि उन्हें संदेश दिया जा सके कि उन्हें पार्टी में नाराजगी है। आखिर वसुंधरा के किस दौरे को लेकर नाराजगी है और उसकी वजह क्या है? राजस्थान की सियासत में नया राजनीतिक अखाड़ा तैयार हो रहा है। राज्य में वसुंधरा राजे को पोस्टर से नदारद रखा गया है।
जिसकी वजह से पार्टी में एक खामोश तूफान की आहट मिल रही है। इनसे पोस्टर्स में मेरी शक्ल देख के ये कुछ होना जाना नहीं है, मेरे को तो लोगों के दिलों में राज करना है और मेरा काम वो होना चाहिए जो आदमी याद रखे। पोस्टर से उतरे तो कोई बात नहीं, क्योंकि असल मकसद दिल में उतरना है, ये कहना है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का। दरअसल वसुंधरा आजकल राजस्थान के बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा कर रही हैं। उनके इन्हीं दौरों से राज्य बीजेपी संगठन में खलबली मची है। राजस्थान के झालावाड़ पहुंचकर वसुंधरा राजे ने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उन्हें हर संभव मदद के लिए प्रशासन को निर्देश दिए। इसके अलावा बारां और धौलपुर में भी उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों में हवाई सर्वे किया। इसी दौरान जयपुर में पार्टी मुख्यालय के आसपास लगे पोस्टर्स में से राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे नदारद है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पार्टी उनके दौरों से नाराज है। बीजेपी में राजस्थान से लेकर आलाकमान तक वसुंधरा राजे गुट तेजी से सिकुड़ता जा रहा है, इसीलिए दो बार के मुख्यमंत्री और मौजूदा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होने के बावजूद वसुंधरा राजे राजस्थान में पोस्टर से गायब है। एक तरफ वसुंधरा राजे पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर पोस्टर्स में कहीं नजर नहीं आ रही है, दूसरी तरफ उनके समर्थक उन्हें राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने के लिए माहौल बना रहे हैं। मार्च के बाद पहली बार जनता के बीच नजर आ रही वसुंधरा को भी मालूम है कि उनके खिलाफ गुटबाजी चल रही है, इसलिए जब पोस्टर से नदारद रहने का सवाल पूछा गया तो उनके मन की बात कुछ इस तरह सामने आई। इनसे पोस्टर्स में मेरी शक्ल देख के ये कुछ होना जाना नहीं है, मेरे को तो लोगों के दिलों में राज करना है और मेरा काम वो होना चाहिए जो आदमी याद रखे। 3 दिनों तक बाढ़ प्रभावित बारां, झालावाड़ और धौलपुर में हवाई दौरे करके लोगों से मुलाकात करने के दौरान वसुंधरा को दो तरफा विरोध झेलना पड़ा। एक तो बीजेपी के नेता उनके अनौपचारिक दौरों को सही नहीं मान रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस कार्यकर्ता ने भी झालावाड़ में उन्हें काले झंडे दिखाए। इस बात को लेकर सड़क पर ही काफी हंगामा हुआ। वो उनके पार्टी का अंदरूनी मामला है, वो वसुंधरा जी जो कुछ भी शो कर रही है वो कांग्रेस को या सरकार को नहीं कर रही है। वसुंधरा जी जो कुछ शो कर रहे हैं अपने पार्टी के नेताओं को कर रहे हैं, पार्टी में मैसेज दे रही हैं, उनका पार्टी का अंदरूनी मामला, उसमें मैं बोलना नहीं चाहता। दरअसल वसुंधरा राजे के इन दौरों को लेकर राजस्थान बीजेपी में इसलिए विरोध हो रहा है क्योंकि उनके समर्थक उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। राजस्थान में सियासी उठापटक ने अब पाला बदल लिया है। अब तक कांग्रेस में गहलोत बनाम पायलट को लेकर खींचतान जारी थी, लेकिन अब बीजेपी में वसुंधरा राजे को लेकर अंदरूनी घमासान शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राजस्थान के बाढ़ग्रस्त इलाकों के तूफानी दौरे किए तो उनकी सियासत पर घमासान मच गया। पार्टी के राज्य संगठन के कुछ नेताओं को राजे के ये दौरे नागवार गुजरे, क्योंकि बाढ़ के बहाने वसुंधरा राजे के इस जनसंपर्क अभियान को पार्टी के कुछ नेता शक्ति प्रदर्शन मान रहे हैं। राजस्थान बीजेपी के सूत्रों का दावा है कि बिना पार्टी की इजाजत के दौरे का मतलब साफ है कि वसुंधरा अपने लिए जन समर्थन जुटाकर संगठन को संदेश देना चाहती हैं। उनकी यही सियासी चाल संगठन की आंखों में खटक रही है। इनसे पोस्टर्स में मेरी शक्ल देख के ये कुछ होना जाना नहीं है, मेरे को तो लोगों के दिलों में राज करना है और मेरा काम वो होना चाहिए जो आदमी याद रखे। भारतीय जनता पार्टी खूब बड़ा परिवार है, अपने आप में बड़ा विचार है, सब नेताओं का यहाँ सम्मान है, पार्टी का अपना जो संविधान है, नियम कायदे कानून है, कामकाज है, वो सबको अवसर देती है। सक्रिय अब वो ये सक्रियता का उनका उद्देश्य क्या है, पार्टी को मजबूत करना है या अपने आप को मजबूत करना है, बड़ी बात तो ये है, ये अंदर की बात है। जैसे स्वाभिमान और घमंड इसमें फर्क नहीं है, ज्यादा बारीक है, तो वो खुद का उद्देश्य है उनका क्या है। वसुंधरा राजे के दौरों को लेकर संगठन की नाराजगी इस बात पर भी है कि वो इससे पहले अपने चुनावी क्षेत्र झालावाड़ से दूर रही, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने जब कोटा मंडल का दौरा किया उसके बाद वसुंधरा को राजनीतिक दौरों की याद आई। बहरहाल राजस्थान संगठन में हाशिए पर चल रही वसुंधरा अपने हवाई दौरों से जनता के बीच पैठ बनाने की कोशिश में जुटी, तो वहीं बिना संगठन को बताए बाढ़ प्रभावित इलाकों में उनके दौरों पर अंदरूनी घमासान की बाढ़ आ गई है। वसुंधरा राजे
पिछले काफी समय से राजस्थान बीजेपी की सियासत में हाशिए पर है। संगठन में उनके समर्थकों की खास भूमिका नहीं है और न ही केंद्रीय स्तर पर उनके समर्थक मौजूद हैं। कुछ दिनों पहले उनके समर्थक रोहिताश शर्मा नाम के बीजेपी कार्यकर्ता ने उन्हें मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने की मांग उठाई तो पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया। राजस्थान बीजेपी के सूत्रों के हवाले से खबर है कि वसुंधरा के समर्थक उन्हें अगले चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने के लिए लामबंदी कर रहे हैं, लेकिन पार्टी उनके इस दांव से नाराज है। वहीं सोशल मीडिया का दायरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खास लोगों से लेकर आम लोगों तक सभी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने लगे हैं। लेकिन सोशल मीडिया की इस भीड़ में बहुत खतरे भी हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना इतना महंगा पड़ सकता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये ऐसी साजिश है जिसमें महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बैठे गैंग ने सोशल मीडिया पर सेलिब्रिटीज और मॉडल्स को लूटने का प्लान बनाया है और फिर ऐसा जाल बिछाया कि साइबर क्राइम की टीम भी हैरान रह गई। सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स और दोस्तों की संख्या बढ़ाने के लिए दिन रात लोगों को अपने सोशल अकाउंट से जोड़ने वाले सेलिब्रिटीज और मॉडल्स सावधान हो जाएं। मुंबई में सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसे क्राइम का जाल फैलाया गया था जिसने कई सेलिब्रिटीज और मॉडल्स से दोस्ती करके उन्हें साजिश के तहत शिकार बनाया। मुंबई पुलिस की साइबर सेल के जानकार हैरान हैं कि सेलिब्रिटीज और मॉडल्स के दोस्त बनकर कुछ लोग उनके बेहद निजी वीडियो शूट करके उनसे लाखों रुपए की वसूली कर चुके हैं। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे ही गिरोह को दबोचा है जिसने बेहद शातिर तरीके से सेलिब्रिटीज को सेक्सटॉर्शन का शिकार बनाया है। ये इंटरनेट के जरिए ऐसा गुनाह है जो सेलिब्रिटीज और मॉडल्स को ब्लैकमेल करके उनसे रुपए ऐंठने में जुड़ा है। मुंबई पुलिस की साइबर सेल ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो 100 से ज्यादा अधिक एक्टर्स और मॉडल को अपने जाल में फंसाकर उनसे पैसा लूटते थे। जब इस जानकारी के बारे में पुलिस को पता चला तो वो भी हैरान रह गए। जिन फैंस से एक्टर्स और मॉडल्स बात करते थे और उनसे दोस्ती करते थे, इन्हीं में से कुछ लोग उनको बाद में धमकाते थे। मुंबई साइबर सेल के मुताबिक यह लोग पूरी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहारे से दूसरों की तस्वीरें चुराते थे और अपने प्रोफाइल में ऐड करते थे और एक्टर्स और मॉडल्स को उसी तरीके से अपने जासे में फंसाते थे और उन्हें अट्रैक करने की कोशिश करते थे। सोशल मीडिया पर दिन रात एक्टिव रहने वाले इस एक्सटॉर्शन गैंग की एक एक चाल आपको हैरान कर देगी। मुंबई साइबर सेल के मुताबिक कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर अपना ग्रुप बनाया, इसके बाद अपने अपने प्रोफाइल पर आकर्षक दिखने वाले लड़के लड़कियों की तस्वीरें लगाई। गैंग के लोग सेलिब्रिटीज और मॉडल से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर जुड़ जाते हैं। इसके बाद गैंग में शामिल लड़के लड़कियां सेलिब्रिटीज से देर रात चैट करते थे। चैटिंग के दौरान गैंग के लोग वीडियो कॉलिंग के लिए उकसाते थे। जब कोई पुरुष सेलिब्रिटी वीडियो कॉल करता तो गैंग की महिला कॉल रिसीव करती थी। अगर महिला मॉडल वीडियो कॉल करती तो गैंग के पुरुष कॉल रिसीव करते थे। इसके बाद गैंग के लोग अश्लील वीडियो कॉल को रिकॉर्ड कर लेते थे। अश्लील वीडियो कॉल रिकॉर्ड करने के बाद पैसे के लिए धमकाते थे। सेलिब्रिटीज को बदनामी का डर दिखाकर उनसे रुपए वसूलते थे। रैकेट का इन्वेस्टिगेशन करते हुए हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से ओडिशा, उत्तर प्रदेश और गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी जगहों से इन आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक इस गैंग के लोग फर्जी ईमेल आईडी और फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बनाकर अब तक 250 से ज्यादा मॉडल और सेलिब्रिटीज से उगाही कर चुके हैं। इनके मोबाइल में ऐसा पाया गया कि 285 से ज्यादा वीडियोस पाए गए जिसके द्वारा ये जो वीडियोस है सेक्सटॉर्शन के वो निकालते थे। और ये रैकेट जो है वो सिर्फ सेलिब्रिटी और कॉमन मैन को फंसाता नहीं था, तो उसके बाद ये वीडियोस रीसेल भी करता था। साइबर सेल के मुताबिक इस गिरोह से जुड़े लोग महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और गुजरात में फैले हुए हैं। गैंग के गुनाहों की इस पूरी सोशल साजिश का पता लगाया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि सेलिब्रिटीज और मॉडल्स को ब्लैकमेल करके पैसे वसूलने वाला एक गिरोह बाद में उन वीडियोस को सोशल मीडिया पर ऑनलाइन बेचता था, यानी ब्लैकमेल करके रुपए ऐंठने के बाद सेलिब्रिटीज के अश्लील वीडियो की ऑनलाइन सेल लगाते थे। ये कहकर वीडियो बेचते थे कि अगर आप अपने पसंदीदा सेलिब्रिटीज का लेटेस्ट कलेक्शन देखना चाहते हैं तो दिए गए लिंक पर क्लिक करें। ऐसा करके भी ये शातिर गैंग अवैध कमाई करता था, लेकिन अब एक नाबालिग समेत 5 लोग साइबर सेल के शिकंजे में हैं।
भारत के मिशन चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर पानी के अणुओं की मौजूदगी का पता लगाया है। इस बात का पता चला है कि मिशन के दौरान हासिल हुए आंकड़ों से ये पता चल पाया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार के सहयोग से लिखे गए एक रिसर्च पेपर में कहा गया है कि चंद्रयान 2 में लगे उपकरणों में इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर नाम का एक उपकरण भी है जो 100 किलोमीटर की ध्रुवीय कक्षा से जुड़कर अभी भी काम कर रहा है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन भले ही अपने बेहद महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 2 में कामयाब नहीं हो पाया हो, लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों का कौशल अभी भी चांद से अहम सबूत भेज रहा है। इसरो के पूर्व अध्यक्ष AS किरण कुमार की एक रिसर्च में इस बात का दावा किया गया है। मिशन चंद्रयान 2 के दौरान भेजा गया ऑर्बिटर अभी भी अच्छी तरह से काम कर रहा है। इस बात का ऐसे पता उन सबूतों के जरिए चला जो सबूत ऑर्बिटर के जरिए भेजे गए हैं। खबरों के मुताबिक चंद्रयान 2 से मिले डेटा से चांद पर पानी और अमिश्रित हाइड्रोक्सिल के अणुओं की मौजूदगी का पता चला है। आपको याद होगा जब 22 जुलाई 2019 को भारत ने चंद्रयान 2 मिशन लॉन्च किया था। हालांकि इस दौरान इसमें लगा लैंडर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग में नाकाम हो गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया था कि इसका ऑर्बिटर पूरी तरह सुरक्षित है और वो कई दिनों तक चांद से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा को भेज सकता है। और ये बात अब सच साबित होती नजर आ रही है क्योंकि ऑर्बिटर ने एक बार फिर चांद पर पानी से जुड़ी अहम जानकारी वैज्ञानिकों को भेजी है। इस जानकारी के मुताबिक करंट साइंस नाम की मैगजीन में छपे रिसर्च पेपर में कहा गया है, इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से मिले शुरुआती डेटा से चंद्रमा पर 29 डिग्री उत्तरी और 62 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बड़े पैमाने पर जलयोजन और पानी के अणुओं की मौजूदगी साफ तौर पर दिखाई देती है। जाहिर है चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर से भेजा गया ये डेटा भारतीय वैज्ञानिकों के लिए एक और बेहद अहम सबूत साबित हो सकता है। ऑर्बिटर के इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से हासिल हो रहे इन आंकड़ों की लगातार पड़ताल की जा रही है। उम्मीद है कि भविष्य में जल्द ही चांद के तमाम रहस्यों पर से पर्दा उठाया जा सकेगा। इतना ही नहीं, चंद्रयान 3 मिशन के भी जल्द लॉन्च होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में नए मिशन के लिए पहले से इकट्ठा हुआ डेटा बेहद मददगार साबित हो सकता है। वैज्ञानिक इन सबूतों के सहारे ही चांद की दुनिया का सच हम तक पहुंचा सकते हैं। और अब देश दुनिया की खबरों का सुपर प्राइम टाइम बुलेटिन सौ